चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शनि धाम में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता स्थानीय लोगों के लिए ज्ञान का केंद्र बनी हुई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हर रोज शाम को पहुंचकर श्री कीर्ति किशोरी जी द्वारा सुनाई जा रही कथा का रसपान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कीर्ति किशोरी जी को माँ बनभोरी देवी परिवार चंडीगढ़ श्रीमद् भागवत कथा के लिए हर बार आमंत्रित करता है। इस बार अतिरिक्त माँ भ्रामरी देवी सप्तचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगा, जिसमें भक्त जन कथा में पहुंचकर मथुरा से चंडीगढ़ पहुंची कृष्ण भक्त कीर्ति किशोरी जी के पवित्र वचनों से गीता ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता पुनीत सैनी ने कृष्ण नगरी से चंडीगढ़ पहुंची श्री कीर्ति किशोरी जी के श्री कृष्ण भक्त बनकर मानव कल्याण हेतु गीता ज्ञान देने तक की पूरी जानकारी ली। चलिए देखिए पुनीत सैनी की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आप भागवत कर रही हैं जी, तो आप कितने टाइम से भागवत कर रही हैं? भागवत का मेरा समय तो लगभग 17 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में भागवत की कथा में, मुझे ठाकुर जी ने ये सेवा दी है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भगवत नाम प्रचार का और ठाकुर जी का नाम लेने का ही एक माध्यम है, तो ये मुझे मिला है। वैसे कहाँ से हैं आप, बेसिकली कहाँ से? जी, मेरा जन्म मथुरा का है, मथुरा वृंदावन ब्रज नगरी, कृष्ण की नगरी, कृष्ण की जन्मस्थली ही हमारी भी जन्मस्थली है। कोई तो कोई एक्सपीरियंस बताइए, जैसे माना जाता है कि वृंदावन मथुरा में मतलब एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, एक मिरेकल्स होते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में या कुछ ऐसे? देखिए, अब यदि आप ब्रज की और हमारे कन्हैया की बात करें तो कोई एक बात हो तो कही जाए, वहाँ तो हर पग पग पर चमत्कारों से भरी और रहस्य साथ ही लीलाओं से भरी और एक आनंद की अनुभूति से भरी हुई ब्रजभूमि है। और प्रारंभ से ही धार्मिक क्षेत्र में हमारी जो आर्य वैदिक सनातक परंपराएं चली आ रही हैं, धर्म के प्रति जो एक हमारी मान्यता होती है उसके अनुसार हम अपने ईश्वर में जिस तरह से विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर का साक्षात प्राकट्य मूर्तिमान रूप है ब्रजमंडल, लाडले कृष्ण भगवान कृष्ण, तो कृष्ण को मानने वाले और ईश्वर सत्ता में किसी भी रूप में, चाहे वह निराकार हो साकार हो, विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं तो धर्म से जो जुड़े हैं वो ब्रजमंडल से जुड़े हैं। रही बात चमत्कारों की या हमारे अनुभव की, जन्म से लेकर अब तक का जो मेरा जीवन रहा है, मुझे यही मेरा सौभाग्य है, कहते हैं कि ब्रज में जन्म मिलना यही ठाकुर जी की कृपा है, उसमें भी संतों का सानिध्य हो, और जैसा कि मेरा जन्म ऐसे स्थान में हुआ, मेरे माता पिता मुझे मिले, सभी धार्मिक परिवार, और वहाँ प्रारंभ से ही सेवा पूजा साधना व्रत नियम ये सब हमने सीखा और उसी में ही हमने एक ईश्वरीय तत्व के बहुत छोटे छोटे रहस्य भी जाने। मतलब आप 17 वर्ष हो गए हैं आपको, तो क्या आभास स्टार्टिंग से ही ऐसा होता था कि आपको, कि आपका मन इसमें लगता था, भागवत करने में ही लगता था, या पेरेंट्स से आपको इंस्पायरेशन मिला इसका करने का? देखिए, कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो ये तो है ही कि आप जिस वातावरण में, जहाँ हमारा जन्म होता है तो वही हम सीखते हैं, और तो यही मेरा सौभाग्य है। साथ ही साथ माता पिता से प्रेरणा मिलना, मैंने पूर्व में आपको बताया मेरा जन्म ही ब्रज में हुआ है, वहाँ की तो मिट्टी में, वहाँ का बच्चा बच्चा कृष्णमय और हर लाली वहाँ की हर बालिका राधामय है, तो यही विश्वास है कि ठाकुर जी से प्रेम हुआ प्रारंभ से ही, बचपन से संतों को सुना और वही कथा का भाव हृदय में प्रारंभ से ही प्रेरणा बनी, फिर गुरु धारण किए, गुरुदेव हमारे गुरु हैं श्री श्री जी महाराज, उनकी कृपा से ये सुंदर अवसर मुझे। चंडीगढ़ में कितने समय से आए हुए हैं आप? चंडीगढ़ में मैं प्रारंभ से ही आ रही हूँ, 2005 से, 2004 से मेरा यहाँ बराबर आना हो रहा है। कैसा लगा चंडीगढ़ के जो लोग हैं उन, वो क्या इंटरेस्ट लेते हैं इस आपके? बहुत ही सुखी संपन्न यहाँ का, चंडीगढ़ अपने आप में एक नामी एक शहर है, तो यहाँ का तो क्या कहें, सभी लोग बहुत धार्मिक हैं, बहुत जुड़े हुए हैं भावना से, और मेरे साथ भी मेरा शिष्य परिकर है यहाँ पे, सभी लोग बहुत सुंदर, अभी जो उत्सव चल रहा है सचंडी यज्ञ चल रहा है यहाँ, माँ बनभौरी के यहाँ पर इनकी कुलदेवी हैं, तो बहुत ही सुंदर उत्सव, ये तृतीय वर्ष का उत्सव चल रहा है और हर वर्ष ये मनाते हैं, तो धूमधाम से बड़े उत्साह से लोग जुड़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। विशेष रूप से आज का जो समय चल रहा है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको मेरा मानना है कि संस्कारों की बहुत आवश्यकता है, कि हम आपस में जैसे द्वेष और चारों ओर बड़ा चल रहा है कि
तू मेरा ना मैं तेरा, एक ये भावना होती है द्वंद, लड़ाई झगड़ा, इस सब से, इन प्रमादों से, इन विषयों से, इन विकारों से हमें बचना है। तो हमें शांति की, हमें सबको आज यही है कि प्रेम हो, सुख हो, शांति हो। तो आध्यात्म के जगत में, भगवत भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में जितना प्रेम है, जितनी शांति है, उतना और कहीं नहीं है। तो हम आज के युवा, जो युवा पीढ़ी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस देश में, जिस वेश में कहीं भी रहो, सदा अपने गुरु का नाम और अपने प्रभु का नाम अपने हृदय में रखो और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।